प्लेनो कॉनकेव है, जो इसकी रेडियस है वही आपकी इसकी रेडियस है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी आपकी आर, और इसकी एकाग्रता होगी आपकी इंफिनिटी। इसका इंडेक्स ऑफ फोर्स कितना है, एन है। तो अब इस वाले जो लिक्विड का लेंस बना है इसकी फोकल लेंथ निकालिए बाय अप्लाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला। माना इसकी फोकल लेंथ सपोज एफ टू, तो वन अपॉन एफ टू इक्वल टू एन प्राइस का एन हो गया माइनस वन, वन अपॉन आर वन ये इसका फर्स्ट सरफेस है। इसकी रेडियस किस नपे की आपकी ऊपर नपेगी, तो नेगेटिव की पॉजिटिव नेगेटिव माइनस आर वन अपॉन सेकेंड की क्या रेडियस हो गई आपकी इंफिनिटी, वन अपॉन इंफिनिटी मतलब जीरो, वन अपॉन एफ टू इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन माइनस आर, या आप इसको लिख दो वन माइनस एन अपॉन आर। ये आपकी आगे कर दी क्या आ गई यहां से वन अपॉन एफ टू। अब जरा ये देखो इस केस में ऑब्जेक्ट एंड मिरर दोनों क्या कर रहे हैं, यहां पर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों लेंस की कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी वाई, वही न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आपका आ गया। अगर आप यहां पर दो तीन लेंस रख देते हो कई तरह के, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ओवरलैप कर जाते हैं तो ये गैप कितना होता है इसके फोकल लेंथ के बराबर। इस केस में आप देखिए ध्यान से, ये दो लेंस है, एक ग्लास का लेंस है और एक आपका वाटर का लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ कंबाइंड कितना हो गया वाई। अब अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कंबाइंड एफ कितनी होगी वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू। तो वन अपॉन एफ की वैल्यू क्या है y इक्वल टू वन अपॉन एफ वन की वैल्यू वन अपॉन x प्लस वन अपॉन एफ टू की वैल्यू r की वैल्यू भी क्या है x है। ठीक, यहां से आप निकाल बताइए, देखो अब इसका एलसीएम कितना जाएगा x, यहां निकाल सकते आप n कितना होगा, तो वन अपॉन y इक्वल टू टू माइनस एन बटे x। यहां से देखिए x अपॉन y, x अपॉन y इक्वल टू टू माइनस एन, या एन इक्वल टू टू माइनस एक्स अपॉन वाई। यहां से आप एक्स और वाई की वैल्यू को मीजर कर लेंगे स्केल से, मीजर करने के बाद यहां पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले आप विदाउट लिक्विड वो डिस्टेंस हो लेंगे, यहां पर वो ऑब्जेक्ट और इमेज ओवरलैप करती है, फिर लिक्विड फिल करने के बाद ढूंढेंगे डिस्टेंस, वो आपकी कैसी आ गई वाई आ गई। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या पता कर लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है जी, ये आपका न्यूमेरिकल बोर्ड में भी आ चुका है और यही सेम टू सेम एक आपका एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है ना, आज पीरियड है उसमें तरह से कराओगे। अगर कोने में बिटाने इसको ये बोर्ड मार चुका है कि नंबर में न्यूमेरिकल, इसमें आप ध्यान रखिए कि न्यूमेरिकल के लिए क्या होगा कि आपको एक्स और वाई डिस्टेंस दे दी जाएंगे, फिर पूछेगा बताइए इसका क्या इंडेक्स है। विदाउट वॉटर मान डिस्टेंस आपकी 10 थी, पानी भरने के बाद 15 हो गई, ठीक है, तो बताइए जो लिक्विड भरा गया था उसका इंडेक्स कितना है, ये हो गई विदाउट वाटर, ये हो गई आपकी विद वाटर, या पुट कर दो, ठीक है।
चलिए भाई सवाल लगाइए। आपके पास ये कोई लेंस है जिसका एम है मान लेते हैं हम 3/2 R1 = R2 = 20 cm। इस लेंस का ये वाला हिस्सा काट लिया गया है। इस लेंस का ये टुकड़ा काट लेने के बाद इसको इस तरीके से रख दिया गया है इस टुकड़े को, और यहां पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट 30 cm पर। तो बताइए इसकी इमेज कहां बनेगी? इस लेंस के इस वाले पीस को उठा करके यहां पर रख देने पर इमेज इसकी कहां बनेगी? तो देखो सबसे पहले आपको यू तो पता है कितना है -30। आपसे बी पूछा जा रहा है। अभी आपके पास एफ भी एफ निकाले, तो यहां पर देखिए इसकी लेंस की दो रेडियस आपके पास है। ये कितनी रेडियस है आपके पास? R1 इज इंफिनिटी, R2 इज 20, वही रहेगा। एम पता है कितना है इसका? 3/2। इसका आप निकाल लेंगे पहले फोकल लेंथ। तो 1/f = f - 1, 1/infinity। तो 1/f = 0.5 × 1/20, इससे 0.40 f = 40 cm। f आपके पास कितना गया? 40। अब आप लगा देंगे लेंस पर। जब भी आपको रेडियस R1, R2 और n मिल जाता है तब आप इजीली उसका पता कर सकते हैं। ठीक, ये लेंस वही है भी वाला। चलो n बराबर 3/2 R1 = R2 = 20 cm लेंस। इसको डुबा दिया गया है किसी एक और मीडियम में जिसका n है मान लेते हैं 3। सराउंडिंग्स का है 3। बताइए अब इस लेंस का क्या होगा फोकल लेंथ? फाइंड करिए इसका फोकल लेंथ। जब एक लेंस को डुबा देंगे किसी लिक्विड के अंदर तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? अप्लाई करना पड़ेगा लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = बोलिए NL - NS / NS 1/R1 - 1/R2 L लेंस के लिए और S सराउंडिंग के लिए है। तो 1/f = NL कितना है? -3/3 1/R1 प्लस का हो जाएगा कितना बताइए? -1.5/3 × 2/ इससे 0, 3 से 5, 5 से 40, 40 से 1/x =
माइनस एक बटे ए बराबर इसकी जो ट्रिपल एन कैसी हुई आपकी नेगेटिव हो गई। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस था नॉर्मल का ज्यादा हो गया तो ये कौन के लिए और इसका आप निकालेंगे ना एफ केवल लेंस की बात करें एक बटे एफ लेंस बराबर एन माइनस वन प्लस ये निकल कर आएगा आपको कितना दस बीस देख रहे हो आप कि इसको जस्ट डबल कर दिया मैंने डेढ़ इसका था डेढ़ इसका हो गया तो फोकल लेंथ मेरे को बराबर तो नहीं लेकिन अगर मेरे को डबल नहीं करते इसको तो थोड़ा कम ज्यादा कर लेते तो ये ठीक है ये आपकी बेसिक्स को सवाल है और अब आपके इसके बाद चलेगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट उसे पढ़ेंगे नए साल के अंदर।